हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई, मैंने आपको अभी भी जो बलेनो कुछ एक हफ्ते पहले लॉन्च हुई थी वो दिखाई थी, और आज आ गई है भाई अपनी टोयोटा की ग्लांजा। ये एस वेरिएंट है, जैसे अपनी बलेनो का डेल्टा आता है ये उसी का ही वर्जन लगा लो। तो इसके बारे में फुल बात करेंगे भाई, क्या इसका प्राइस, क्या क्या इसके अंदर आपको फीचर मिल जाते हैं, जैसे इस तरीके की बिल्कुल जैसे आती है ना बलेनो की वैसी है, बस पीछे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि भाई एस वेरिएंट इसका कितने प्राइस में मिला है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। माय गॉड, इसकी लुक देखो यार, सच में ये कैमरे जैसी बना दी है। मैं इस साइड से अगर आपको दिखाऊंगा ना, ये जो पर्टिकुलर ग्रिल है ना, ये यूं की यूं कैमरे जैसी है। तो इसके प्राइस से शुरू करते हैं भाई। इसका प्राइस एक्स शोरूम में आता है 7,29,000 रुपये, और ऑन रोड जाते जाते ये 8,40,000 रुपये की पड़ेगी। और बात करें इसके कॉम्पिटिशन में, जो बलेनो का डेल्टा वेरियंट आता है वो 7,19,000 रुपये, यानी कि इससे 10,000 रुपये सस्ता है, लेकिन ऑन रोड जाते जाते वो 8,36,000 रुपये का पड़ता है। तो बलेनो के डेल्टा वेरिएंट से ऑन रोड की कंपैरिजन करेंगे तो ये सिर्फ 4,000 रुपये महंगी मिलेगी। और की जैसे कि मैंने आपको दिखाई, इस तरीके की दिखती है जैसी अपनी नॉर्मल बलेनो की आती है, बस पीछे से ये गोल सा अपना टोयोटा का लोगो आ गया है। अब भाई सीधा गाड़ी पे चलते हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो देख लो आप। ये सबसे पहले लाइट देखो, लाइट के अंदर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, और इसके अंदर ब्लैक्ड आउट भी आपको थीम मिल जाती है, और इसके अंदर DRL आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो क्रोम की फिनिश है ये बड़ी सुंदर लगती है, ऐसे लग रहा है जैसे DRL है। टॉप मॉडल में कैमरा मिलता है, लेकिन इसके अंदर, यानी कि एस वेरिएंट है, इसके अंदर आपको कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा। फ्रंट बम्पर के अंदर जो है आपको कार्बन फाइबर वाली फिनिश मिलेगी। ये इसका फ्रंट की प्रोफाइल होगी भाई, कैमरे लुकिंग। इसके अंदर आपको हेडलाइट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टर है, जिसके अंदर से येलो लाइट निकलती है। DRL आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, और बम्पर काफ़ी स्टाइलिश लगता है। अब थोड़ा सा मैं आपको साइड में लेकर चलता हूँ, क्या बात है। साइड से अगर आप देखेंगे तो यूं की यूं आपको बलेनो नज़र आएगी भाई। इसके अंदर आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि ये टोयोटा की ग्लांजा है। तो भाई टायर सेक्शन की बात करें तो 185/65R15 15 इंच के आपको इसके अंदर रिम्स मिलेंगे, अलॉय व्हील वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और थोड़ा और अगर मैं कुछ एक डिटेल्स की तरफ जाऊँ तो OR रिम्स के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बॉडी कलर्ड ही आपको ORVMs मिल जाएंगे, और बॉडी कलर्ड ही आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको तार वाला एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना वगैरह आप एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और अब थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं भाई पीछे से। तो भाई अगर आप है ना इस टोयोटा के लोगों को हटा के अगर सुजुकी का लगा दोगे तो ये यूं की यूं अपनी बलेनो ही है। बस यहाँ पे ग्लांजा आ गया बलेनो की जगह पे, टोयोटा का लोगो आ गया मारुति सुजुकी के लोगों की जगह, और यहाँ पे आपको एस वेरिएंट्स की बैजिंग देखने को मिलेगी। हालांकि बलेनो में आपको कोई बैजिंग नहीं मिलेगी कि ये डेल्टा है या फिर जेटा है या फिर अल्फा है और सिग्मा है, इसके अंदर आपको बैजिंग मिल जाएगी कि ये एस वेरिएंट है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है, ठीक है। अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एस वेरिएंट में आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, और गाड़ी का डोर ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ आप जो नोटिस करेंगे वो भाई अब इसके अंदर बेज कलर आ गया है, क्रीम सा कलर, जो कि काफ़ी एरी एरी सा फील कराएगा। अब आपको ऐसे सफोकेशन वगैरह सी फील नहीं होगी जैसे क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता था पहले। और एस वेरिएंट में आपको भाई यहाँ पे सॉफ्ट मिल जाएगा, ये बेसिकली कपड़ा लगा रखा है, इतना सा कुशन है इसके अंदर, और दबाओगे तो मज़ा आता है। ये देखो पूरी दब जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, और यहाँ से भी आपको पूरा कपड़ा दे रखा है ये बेज कलर का। तो इस तरीके का इसका डोर का लुक है इन टर्म्स ऑफ कलर एंड कंपैरिजन। चारों पावर विंडोज आपकी इसके अंदर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड अप ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के साथ फीचर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दोनों हो गई है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टार्ट कर लेता हूँ यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसके अंदर, तो थोड़ा सा AC इसका ऑन कर लेते हैं। ओके, और यार मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, आप RPM देख पाएंगे 1500 RPM के आसपास है, और भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है इसके अंदर। सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। ये देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चारों पावर विंडो मिल जाएगी, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलेगा, और यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। ये हो गया अपना मिरर लॉक, और ये है बटन आपका ORVMs को रिट्रैक्टेबल और एडजस्टेबल, दोनों आपको ORVMs मिल जाएंगे, यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं और अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो
इस तरीके से एडजस्ट भी आप इसको अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएंगे, तो दैट्स अ गुड फीचर। ये होगा भाई डोर अपना। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि टॉप मॉडल में बलेनो में भी और ग्लांजा के अंदर भी आपको यहाँ पे हेडसअप डिस्प्ले के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको हेडसअप डिस्प्ले नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ हेडलाइट का लेवलिंग स्विच मिल जाएगा, साथ के अंदर आपको यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाएगा। और अब आ जाओ भाई डैशबोर्ड के लेआउट की तरफ। तो भाई क्या बात है, ये है ना जैसे डिजायर वगैरह में आता था बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वैसे ही आता है। और ये वाला नॉर्मल ब्लैक है, यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश मिलती है जो कि थोड़ी प्रीमियम लगती है भाई लिटरली। अब आते हैं भाई इसके टच स्क्रीन की तरफ। तो ये 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है जो कि पहले टॉप मॉडल में आता था भाई मारुति गाड़ियों में, लेकिन अब ये भाई अपना डेल्टा वेरिएंट मारुति सुजुकी की बलेनो और ग्लांजा के एस वेरिएंट में भी मिल जाता है। अब आ जाते हैं डैशबोर्ड से थोड़ा सा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आओगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, नॉर्मल वाला एसी नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मतलब जैसे पहले है ना टॉप मॉडल्स में ही आती थी ये चीजें, लेकिन अब कितना जबरदस्त काम हो गया है कंपटीशन की वजह से कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यूएसबी का एक प्लग मिल जाएगा, साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। कैमरे की भाई मेमोरी कार्ड मैं घर पे भूल गया गोप्रो की, इसलिए मेरे को फोन से शूट करना पड़ रहा है। और अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो भाई गियर लीवर आपका ग्लोसी फिनिश में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बेसिक सा जो होता है बेस वेरिएंट वो मिलेगा, बढ़िया ही मतलब टॉप मॉडल वाला आपको यहाँ पे गियर लीवर मिल जाता है। इसके पीछे की तरफ जाओगे तो आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है और आर्मरेस्ट होता तो यार क्या बात ही मजा आ जाता, लेकिन आर्मरेस्ट यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो लाइट्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपको येल्लो लाइट के साथ ऊपर में लाइट मिल जाएगी, और थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे तो रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में आपको ये सनवाइजर मिल जाता है विद मिरर, और देखते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड भाई आपको नहीं मिलेगा मिरर। और जैसे इसके अंदर स्टेयरिंग की तरफ चलेंगे तो स्टेयरिंग में आपको स्टेयरिंग माउंटेड बटन मिल जाएंगे रिलेटेड टू म्यूजिक एंड कॉल, यहाँ से आप फोन उठा सकते हैं काट सकते हैं। और इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो भाई आपको लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में आपको एमआईडी मिल जाएगी। और बात करें भाई क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रेंज बता रहा है और यहाँ पे माइलेज आपको शो होगी कि कितने किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिल रही है, यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, और फिर से ये रेंज मिल जाएगी। ये 4-5 फंक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, साथ में ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। ट्रिप मीटर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो 7 किलोमीटर तक ये अभी तक चली है। ओके, तो ये स्टेयरिंग व्हील होगा भाई, अब देखते हैं ये स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल है या नहीं है। तो ऊपर नीचे हो जाता है ये, बट आगे पीछे नहीं होता है। ओके, यहाँ पे वाटर होल्डर मिल जाता है, साथ में यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ जहाँ पे आप कुछ मैप पॉकेट्स या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। और अब ड्राइवर साइड सीट की बात करेंगे भाई, ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, यानी तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट फॉर ड्राइवर नहीं मिलती है। तो ये भाई मेरा परफेक्ट सीटिंग पोस्चर है, इस तरीके से मैं बैठा हूँ। और अभी अपनी सीटिंग पोस्चर के हिसाब से मैं आपको पीछे की तरफ बैठ के दिखाता हूँ, और साथ में ये भी देखेंगे कि एस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे पीछे की तरफ। तो सबसे पहले भाई स्पेस को कवर करते हुए दिखा दूं आपको, इतना सारा स्पेस मिल रहा है या स्पेस वाइज तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है, और बात करें रियर एसी वेरिएंट, मैं चाहता था कि यार डेल्टा वेरिएंट में या फिर एस वेरिएंट में भी मिले, मगर ग्लांजा के एस वेरिएंट में आपको यहाँ पे कोई रियर एसी वेरिएंट नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। पीछे की तरफ आपको ट्विटर्स नहीं मिलते हैं, और पीछे की अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे वही बेज कलर की कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे भी कपड़ा लगाया हुआ, तो ये भी सॉफ्ट मटेरियल होगा और ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल अपना हो गया है। अब भाई रेयर में आपको एस वेरिएंट में क्या मिल जाता है ये भी मैं आपको दिखा दूँ, तो रेयर में आपको वाइपर नहीं मिलता है, जैसे पहले बलेनो के डेल्टा वेरिएंट में भी आता था वाइपर और इसके टोयोटा के एस वेरिएंट में, लेकिन अब भाई कोई यहाँ पे वाइपर नहीं मिलता, आपको डीफोगर ज़रूर मिल जाता है। और बात करें सेंसर्स की, 1, 2, 3, 4 चार सेंसर मिल जाते हैं, और वही अपनी बलेनो वाली सी शेप में टेल लाइट्स मिल जाती हैं जो कि अब डिक्की तक एक्सटेंड होती है और अच्छी वाली लुक इसमें आ जाती है, दूर से आप पहचान जाएंगे कि ये नए वाली ग्लांजा है या फिर पुराने वाली। सो गाइज इट्स टाइम कि मैं आपको ग्लांजा के एस वेरिएंट का इंजन बे दिखाऊं विद स्टार्टिंग इंजन।
तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और स्टेयरिंग भी इसका बड़ा ही लाइट लग रहा है, बहुत ही लाइट स्टेयरिंग है। अब मैं आपको इसका इंजन बे दिखा दूँ, गाड़ी स्टार्ट है और आवाज़ तो बिल्कुल ही कम आ रही है यार इसके अंदर। भाई ये अपना K12 सीरीज़ का जो इंजन है मारुति सुजुकी का, ये अपने रिफाइनमेंट के लिए तो जाना ही जाता है। भाई ऐसा कुछ दिखता है ग्लांजा के S वेरिएंट का अपना इंजन बे, जो कि बड़ा ही साइलेंट है। वही K12 सीरीज़ का अपने का इसके अंदर इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी पैपी है और चलाने में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और सबसे अच्छी चीज़ भाई मेरे को अब लगता है, जैसे बलेनो में भी मैंने आपको बताया था कि जो नई बलेनो आई है और अब ये नई ग्लांजा, ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी ना कवरिंग दी गई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे मैश जो जाली सी दिखाई दे रही है ये, और इसके नीचे भी पूरी कवरिंग है इंजन के नीचे से। कोई भी जैसे चूहे काट जाते थे या फिर कोई भी मतलब छोटा मोटा जानवर आ जाता था, वो बिल्ली वगैरह चूहे घुस जाते थे, वो काम अब इसके अंदर नहीं होगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, परफॉर्मेंस और ये इंजन की कवरिंग, ये बहुत ही बढ़िया लगी भाई मेरे को देख के। ये थी भाई टोयोटा की ग्लांजा का S वेरिएंट, ये 7,29,000 रुपए के एक्सोरम प्राइस के साथ आता है और 8,40,000 हो जाता है इसका ऑन रोड आते आते। तो भाई वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आपका तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम गाइज़।